जैसे कि देख सक रहे हो मेरे हेयर्स 130 रुपीज में ही मैंने घर पे ही केराटिन किया है। मैंने पहले भी केराटिन ट्रीटमेंट करवाया था, बट आपको जैसे कि पता है हर वॉश के साथ केराटिन ट्रीटमेंट किया हुआ केराटिन जाता है हर वॉश के साथ, वैसे ही अभी एक साल हो चुके हैं मेरे केराटिन चले गए हैं। बट मैं घर पे कैसे केयर करती हूँ, केराटिन कैसे करती हूँ, बार बार 10,000-15,000 तो दे नहीं सकती ना, तो फिर घर पे कैसे करते हैं ये राज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले 130 रुपीज में कैसे हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, अगर आपके मेरे इतने लेंथ है हेयर्स के, तो दो एग लगेगा, एग वाइट और एग योक के साथ ही आपको लगाना है। उसके बाद जब वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा आपको वॉश करना है, वॉश करके शैम्पू नहीं करना है, वॉश करना है, फिर पैक लगाना है। उसके बाद 10 रुपीस का कर्ड आपको लेना है, कर्ड में थोड़ा सा 2 रुपीस का आपको अराउंड कॉफी पाउडर मिक्स करना है जैसे कि वीडियो में दिखा है। उसके बाद फिर आपको छोटे छोटे सेक्शन लेकर के जस्ट आपको अप्लाई करना है, 10-15 मिनट्स लीव कर देना है। अगर आपको स्टीम करना है हेयर्स को तो भी आप कर सकते हो, वो ऑप्शनल है, मुझे पसंद नहीं है करना इसलिए मैंने की। सेकंड यहाँ पे 25 रुपीस लग गया, 10 का एग, 10 का दही कर्ड और 2 रुपीस या 5 रुपीस का आपको कॉफी पाउडर, 25 रुपीस साइड कर देते हैं। अब दूसरा जो मैंने शैम्पू यूज किया है वो ये वेला का SP लग्जरी केराटिन रीस्टोर प्रोटेक्ट शैम्पू है। ये आपको अराउंड 1400 का मिलेगा, 1425 का मिलेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बट शैम्पू फिर क्या करना है, शैम्पू तो आप पूरा बॉटल तो यूज नहीं कर दोगे ना, ये 6 महीने तक का आपका करीबन चलेगा। लेकिन ये शैम्पू जो है ना आप थोड़ा सा लेना है, जैसे मैंने दिखाया है वैसे ही लेना है, पानी लेकर के थोड़ा सा मिक्स करके फिर आपको अप्लाई करना है, सिर्फ स्कैल्प में लगाना है। तो ये शैम्पू आपको थोड़ा सा लगाना है, अराउंड 50 रुपीज ले लेते हैं ये शैम्पू का कॉस्ट पड़ा। देन आपको मास्क लगाना है, सेम मैंने वेला का SP लग्जरी केराटिन रीस्टोर मास्क लगाया है। ये कोई भी अनट्रीटेड, लाइक जिसके हेयर्स ट्रीटेड नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं किए हुए हैं, वो भी ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले 4 साल से इसे यूज कर रही हूँ और ये बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। सिर्फ बीच में जब केराटिन ट्रीटमेंट करवाई थी तब मैंने केराटिन का ही शैम्पू यूज किया था जिसका ट्रीटमेंट करवाया था, उसके बाद फिर से वापस से मैं इसी शैम्पू और इसी मास्क में आ गई। तो ये भी मास्क अराउंड 50 रुपीज ले लो आप, इसका 1500 है। के बाद शैम्पू और मास्क का हो गया 50-50, यानी कि 100 रुपीज में और 25 ऐड कर दो, यानी कि 125। और उसके बाद फिर आपको मास्क भी वैसे ही लगाना है जैसे मैंने लगाया है एग्जैक्टली। उसके बाद 30 मिनट या फिर 15 मिनट छोड़ दो मास्क को, अराउंड 20 मिनट मास्क को मैं छोड़ती हूँ, लीव करती हूँ। उसके बाद वॉश करना है, एयर ड्राई करना है, आपको ब्लो ड्राई नहीं करना है। उसके बाद फिर आपके बाल इस तरीके से दिखेंगे, इतने सॉफ्ट और इतने लविंग। और हाँ, आप कोई भी सेरम यूज कर सकते हो, हेयर सेरम, मैं यहाँ पे बायोलेज का सेरम यूज कर रही हूँ ये बहुत ही अच्छा 6-in-1 सेरम है, बहुत अच्छा है। ये मेरा 3rd बॉटल है, ये 300 अराउंड में आ जाएगा, तो सस्ते में ही है, बहुत अच्छा है। घर बैठे केराटिन ट्रीटमेंट आपने किया है, माने ना, हाँ पॉसिबल था। तो चलो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच, 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, काफी वक्त पहले हुए थे बट मैं वीडियोस नहीं बना रही थी। अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हो तो फिर प्लीज कमेंट में बताओ, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मुझे वीडियोस आगे भी बनाना चाहिए। और आपके अगर कोई भी कंसर्न है आप बेफिक्र पूछ सकते हो, कमेंट में बताओ कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। हाँ, मैंने ये सोचा है कि मैं ये शैम्पू और कंडीशनर का रिव्यू वीडियो बनाऊंगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।